हेलो एवरीवन, आज हम लोग नई वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अभी जस्ट लेटेस्टली अपलोड की गई है 3 जून 2020 को। और ये जो नॉइज़ आपके पास आ रही है, प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ कोई ना कोई नॉइज़ ज़रूर हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। चलिए अब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो ये वैकेंसी बेसिकली आपकी दिल्ली की है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है दिल्ली जूनियर इंजीनियर एंड अदर वेरियस पोस्ट है। तो यहाँ पे एक तो ये पोस्ट अभी आपकी, मतलब ये जो आपकी रिक्रूटमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई है, खाली इसका अपडेट आया है। और इसके बारे में आप लोग डायरेक्टली कहाँ से जा सकते हैं, सरकारी रिजल्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ये अवेलेबल है। ये जॉब की रिक्रूटमेंट्स हैं, जो भी आपके पास जो भी इसकी नोटिफिकेशन है, सब कुछ अवेलेबल है आपका sarkaririzalt.com पे। तो देख लेते हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी अभी देखिए, बस ये वैकेंसी, बस इसके बारे में बताया गया है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है इसकी एप्लीकेशन फिलअप होना। तो ये बेसिकली ये एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी 11 जून से, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और लास्ट डेट के लिए तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नोटिफिकेशन दिया है कि आपके पास पूरा पूरा एक महीना रहेगा, ये क्लोज़ होगी, इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो है आपकी 10 जुलाई, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी जॉब है आपके लिए। बेसिकली उनके लिए जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है सिविल से और इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, जिन्होंने बीटेक वगैरह कर रखा है उनके लिए भी है, पर मैं ज़्यादातर पोस्टें उनके लिए बताती हूँ या रिक्रूटमेंट्स उनके लिए लाती हूँ जो डिप्लोमा कर के रखे हुए हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की सिविल की पोस्ट आई हुई है, 220 आपके पास टोटल सीट्स हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप सिविल वाले हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 35 सीट्स हैं, ठीक है, सफिशियंट है, आप लोग भर दीजिएगा। मतलब सफिशियंट तो नहीं कह सकते, पर मतलब अच्छी पोस्ट है, आप भर दीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था, बाकी आप नीचे जाके यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आपको डिटेल्स दे रखी है कि टोटल कितनी सीट्स हैं। तो जैसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर में यहाँ पे अपर या जो अगर आप जनरल कास्ट को बिलोंग करते हैं तो टोटल आपके पास 92 सीट्स हैं। अगर आप EWS को बिलोंग करते हैं तो 22, देन OBC के लिए 58 सीट्स है। अगर आप SC ST को बिलोंग करते हैं तो SC के लिए 32 और ST के लिए 16 सीट्स हैं। तो टोटल आपके पास 220 सीट्स है। तो मेरे ख्याल से सिविल वालों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल और सिविल के लिए टोटल जनरल सीट आपके पास 16 सीट्स है, और EWS के लिए 3 सीट्स है, OBC के लिए 9 सीट्स है, और SC के लिए 0.5, मतलब टोटल 5 सीट्स है, और ST के लिए 0.2 सीट्स है। तो टोटल 35 सीट्स है। यहाँ पे अदर सीट्स भी अवेलेबल है, मैं उसको कवर नहीं कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इसको इस फील्ड में बिलोंग करते हैं तो आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा। वैसे तो अभी ये डेट अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, इसकी जो लिंक होगी वो एक्टिव हो जाएगी 11/6 से, मतलब 11 जून से ये अवेलेबल हो जाएगी, आपको अप्लाई कर सकते हैं आप। और यहाँ पे इसको भरने से पहले आप इसके बारे में ज़रूर से इसकी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं हमारे में। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतने ज़्यादा मैं आपको रिक्रूटमेंट्स के बारे में बताऊँगी। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी रिक्रूटमेंट्स के बारे में पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।